how important is this first wicket tomorrow to break this partnership of Gardner and Perry? कितना important है first wicket कल to break the partnership Perry? अगर हमें ये मैच को हमें जीतने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि अभी इनकी पार्टनरशिप जो हुई है तो हमें ऐसे सारे पार्टनरशिप हमें ब्रेक करने होंगे ताकि हम वापस से फॉलो ऑन खिला के हम वापस हम उनको आउट कर सकें. What she wants to say is that this partnership to break it's very important because we are wanting them to bat again and give them a follow on. So we are going to come with more intent tomorrow and make sure we break this partnership. How much do you guys sort of still feel that you can manage to force a result in the test? कितना लगता है कि रिजल्ट हो सकते हैं मैच में हम जीत सकते हैं? हम कोशिश करेंगे जिस हिसाब से हमने दो सेशन में हमने 4 विकेट गिरा दिए तो इम्पॉसिबल नहीं है. अगर हम कल हमारा इंटेंट अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है. पूजा सिंह इट्स नॉट इम्पॉसिबल ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू ट्राई एंड गिव एन आवर फुल एफर्ट्स. And as in 2 sessions we got those 4 wickets which were crucial, and anything can happen in a game of cricket. आपकी bowling के बारे में आप बताएंगे pink ball और you know sort of Julian Goswami ने अच्छा start दिया था उसके बाद जस्ट आपकी bowling के बारे में. करेक्ट, अच्छा start देने के बाद मेरा job था कि जो मेघना और झूलन दी ने जो अच्छा start दिया उसको carry on करना. तो बस बहुत सिंपल था कि जगह पे बॉल डालना जिस चीज़ की हमने प्रैक्टिस की थी बस मैंने वही सिंपल रखा. विकेट के बारे में सोचा नहीं, बस अपना लाइन और लेंथ नहीं भूलना है, बाकी रिजल्ट अपने आप मिलेगा. आफ्टर द स्टार्ट ऑफ जुलंदी एंड मेघना माई जॉब वॉज जस्ट टू स्टिक टू टाइट लाइन एंड लेंथ. आई डेंट ट्राई टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, ट्राई टू कीप इट सिंपल एंड जस्ट फोकस ऑन बोलिंग द राइट लाइन एंड लेंथ एंड आई गॉट द रिजल्ट्स. और आपको लगता है कि आपने इससे बेहतर बोलिंग किया है काफ़ी टाइम में? जी बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं इंजरी के कारण मैं बाहर रही हूँ तो जैसे ही मैं फिट हुई तो नेट्स में मैं बहुत अच्छा कर रही थी पर वो मैच में नहीं दिख रहा था क्योंकि हम जितना बोल ले कि हम प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हैं पर मैच प्रैक्टिस एक अलग ही होता है, आपको पूरा एक एटमॉस्फेयर मिलता है. तो हमने बेंगलोर में इससे पहले काफ़ी सारे हमने मैचेस खेले और यहाँ भी मैंने सारे वनडे खेले तो मुझे बहुत हेल्प हुआ. पूजा सिंह शी हैड अ लॉट ऑफ इंजरीज इन द लास्ट फ्यू इयर्स एंड दैट्स व्हाई इट वाज लिटिल डिफिकल्ट फॉर हर एंड ऑल्सो शी इज बॉलिंग रियली वेल इन द नेट्स, जस्ट अ मैटर ऑफ एग्जीक्यूटिंग इन द मैच. एंड इन बैंगलोर ऑल्सो having those practice games under lights and everything gave her a lot of confidence, and also playing all 3 ODIs and bowling well they gave her a lot of confidence coming into the test. Can you just run through some of those injuries you had? Injuries ke baare mein kya bol sakte ho, describe kya hua tha? First in T20 World Cup West Indies mera left knee ACL tear hua jo ki operate hua, uske liye fir mujhe ऑलमोस्ट 1 ईयर लगे. फिर उसके बाद मैंने कम बैक किया T20 वर्ल्ड कप से वापस, फिर उसमें मेरा हैमस्ट्रिंग ग्रेड 2 टीयर हो गया. फिर उसके बाद 1.5 ईयर कोविड हो गया तो जिसके कारण मेरा जो 2 साल है वो बर्बाद हो गया. सो फर्स्ट शी हैड एन ACL इंजरी इन द वर्ल्ड कप बिफोर द वर्ल्ड कप एंड सेकेंड शी हैड अ ग्रेड 2 हैमस्ट्रिंग इंजरी एंड देन आफ्टर दैट कोविड हैपेंड एंड बिकॉज ऑफ दैट मोर टाइम गॉट वेस्टेड एंड इट वाज नॉट वी आर नॉट एबल टू एक्सेस द जिम एंड एवरीथिंग. So it was tough. Roland, do you want to go through your two? Yes, so Puja Vastagar is here and Jamie, thank you for catching the cricket to English. We have Kadam and then Gomes and then Anisha Ghosh. Thanks. Puja, मेरा सवाल ये है कि काफी लंबे समय के बाद शायद आपके करियर का सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण आज कल डाला आपने. इसके पीछे क्या मेहनत हुई है? आपने कहा काफी मेहनत हुई है पर कोचेस के साथ आपका क्या काम हुआ है? इंजरीज ना हो, वापस ना हो, इसलिए फिटनेस के हिसाब से क्या काम हुआ है ताकि हम आज ये परफॉर्मेंस देख रहे हैं? और कंसिस्टेंटली सिलेक्शन मतलब कंसिस्टेंटली गेम्स खेलने का कितना फर्क पड़ा है? दी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक्चुअली सॉरी मैं नेट्स में जैसे मैं अच्छा कर रही थी पर मैच में मुझे वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था. तो फर्स्ट वनडे के बाद जो मेरी बॉलिंग हुई मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी खुद से फिर रमेश सर ने आके बात किया और वापस फिर हमने अपने बेसिक्स पे काम किया। तो रमेश सर ने कुछ 2-3 मुझे टिप्स बताएं और उन्होंने बोला बस तुमको मैच में भी इसी में रहना है, क्योंकि वो चीज़ें करने से मुझे नेट्स में काफ़ी हेल्प मिल रही थी। तो रमेश सर ने बोला यही चीज़ आपको मैच में भी करनी है, आप रिज़ल्ट के बारे में भूल जाओ, बस आपको इन 2 चीज़ों में आपको अपने प्रोसेस में रहना है, बाकी अच्छा ही होगा। So after the first one day, it's okay, Poppy. So after the first one day, I was very disappointed with my bowling, and after that, Ramesh sir came and spoke to me, and in the nets, he told me 2-3 things, and he said just stick to that, don't think too much about the results, just stick to the process, and the results will automatically follow. And I just stuck to that, and I am seeing the results. So just to follow up on that, Puja, वो क्या दो चीजें थी आप बता सकते हो, और फिटनेस के हिसाब से कैसे लग रहा है आपको अभी? फिटनेस के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है, और जो 2-3 चीज़ें थी वो मेरे थोड़ी एक्शन का था, मेरा एक्शन थोड़ा पीछे हो रहा था। तो मैं फ्रंट आर्म बॉलर हूँ, तो उन्होंने थोड़ा सा मेरे को राइट आर्म और एक्सटेंड करने के लिए बोला। एक्चुअली मैंने बोला कि सर मुझे लोडिंग के टाइम पर मुझे थोड़ा सा फंसा सा लगता है, मुझे प्रॉपर मोमेंटम नहीं मिल पाता जो मैं रनअप से मैं लेती हूँ वो। तो उन्होंने फिर बताया कि आप ये चीज़ करो और उससे हेल्प मिला मुझे नेट्स में। तो उन्होंने बोला बस आपको सेम चीज़ मैच में भी कंटिन्यू करना है। So fitness wise, I'm feeling great, and the thing that Ramesh sir spoke, I had a discussion with him, and I was telling him I'm feeling a bit stuck in my bowling action. So he told me something about my front arm, and I just focused on that, and it's working well for me. Thank you, Puja. Thank you, Jamie. Well bowled. Thank you, thank you. Hi, Puja. Well bowled. सवाल ये है कि आप जब बैटिंग करने गई तो क्या प्लान्स थे और उसका फीडबैक कितना आपने अपने बॉलिंग में यूज किया, एंड आल्सो व्हाट फीडबैक डिड अदर बैटर्स गिव यू दैट यू यूज्ड फॉर बॉलिंग? जब मैं बैटिंग करने गई तब विकेट से उतना हेल्प नहीं मिल रहा था मुझे, तो मेरा प्लान पहले बैटिंग का ये था कि लंच तक जैसे अभी चल रहा वैसे चलने दें, लंच के बाद हमें कोचेस से जो भी इंडिकेशन मिलेंगे कि रन्स बना के खेलना है हम वैसे करेंगे। पर उसके पहले ही मेरा विकेट गिर गया, पर मुझे पता चला कि विकेट में कुछ इजी नहीं है, अगर आपको विकेट्स चाहिए तो इसमें दम लगाना पड़ेगा, और वैसा ही मुझे फिर मैंने अपनी बॉलिंग पे भी किया तो हेल्प हुआ मुझे। While I was batting, I realized that there's nothing much in the wicket. So initially, till lunch, I had the plan that I'll just keep playing. After lunch, whatever the coaches will say, I'll try and apply that. They told to bat with a little more intent, but I got out till then. But when I was bowling, like batting over there, helped me realize that what line and lengths I need to put in bowling, and actually that gave me a better idea, and I just tried to do that when I was bowling. Hi Puja, इंजरी एक बहुत ही खराब सा चीज होता है जो हर एक एथलीट का मन को बिठा देता है। आप बता सकते हैं कि आपके क्या ख्वाब रहे हैं जब से आपका ये इंजरी के बाद इंजरी हो रहा था? आप कभी सपने में भी सोच सकते थे कि एक नहीं 2 टेस्ट खेलने को मिलेगा आपको, आप प्लेइंग 11 में होंगे, इंग्लैंड में भी अच्छा प्रदर्शन रहा आपका और इस दौरे में भी, और मेग लैनिंग का विकेट, हालांकि वो थोड़ा एक रॉन्ग एक कंटेंशियस अंपायरिंग कॉल था, बट उस विकेट के लिए आप क्या बोलोगे, क्योंकि उन्होंने इंडिया के दौरे के दौरान 2018 में आपके बैटिंग को प्रेस किया था, जेमी के बैटिंग को प्रेस किया था। तो आपके क्या ख्वाब रहे हैं इस इंजरी फेस के दौरान, और मेग लैनिंग का विकेट और आज का स्पेल के अंदर वो विकेट कितना आपके लिए स्पेशल रहा? देखिए एक्चुअली इंजरी हमारे हाथ में नहीं होती है, क्योंकि हम अपने कंट्री के लिए हम मेहनत करते हैं, और ऑन फील्ड अगर ये इंजरी हो रही है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, पर एज अ प्लेयर डिसअपॉइंटेड होता है। पर आपको अपने आप को ही समझाना इसमें बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम अपने शेल में चले जाते हैं इसके बाद। तो मैंने अपने आप से यही बात किया कि कोई बात नहीं, जो भी हुआ उसको भूल जा और नोट डाउन कर कि आगे इंजरी ना हो, किन वजह से हुआ और क्या एक बेहतर एथलीट बनने के लिए और क्या मेहनत कर सकती है। और फिर उसके बाद अगर मैग लर्निंग का जब मैं बॉल डाल रही थी तो सीरियसली मैं बैट्समैन पे ध्यान नहीं दे रही थी, बस मुझे अपने एरियाज़ जहाँ पे मुझे बॉल डालनी है मैंने बस उस पर फोकस किया और मुझे रिजल्ट मिला। सो ऑब्वियसली गोइंग थ्रू एन इंजरी इज़ नेवर ईजी, and when you're playing for your country, you're giving it all over there, so you know you don't realize sometimes how your body works. and that's our job, and we can't really control a lot about how to prevent injuries. But when I was injured, I went back and I noted down few points that why I got injured, for what reasons, and also how I can become a better athlete. And that's what I worked on. And also bowling to Meg Lanning, my plan was again the same thing, just bowl and hit the right line and links, and I would get the results, and I got that. One or two questions. Purnima, if you have to ask the question, you had raised hand, and Ajit Kumar. Ajit Kumar. Hi, Puja. How was the experience of bowling with the pink ball and under the lights? वो experience कैसा रहा pink ball के साथ light के अंडर बॉल करना? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम रेड बॉल से तो करते आ रहे हैं, पर ये एक थोड़ा नया चैलेंजिंग था। पिंक बॉल रेड बॉल की तरह उतना मूव नहीं करता है, थोड़ा सा टफ रहता है। स्टार्टिंग का मूव करेगा, उसके ओल्ड होने के बाद उतना नहीं करता है, पर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अंडर लाइट्स तो बहुत ही मज़ा आ रहा था बॉल डालने में। So it was really fun bowling with the pink ball. It was something new. Normally with the red ball you get more swing compared to the pink ball. Pink ball initially it moves a lot, but after it gets a bit older it's difficult. But also bowling under the lights is all the more fun. So yeah, I was enjoying that. Final question, Diva. Hi, Puja. So the Australians are particularly defensive against spin. So do you think that helped the India players get the wickets they got? Can you please repeat the question? Your voice just. Yeah, I said the Australians were particularly defensive against spin. So do you think that helped the Indian players get the wickets that they got? Australia was a little more defensive against spin. क्या तुझे लगता है that's why the pacers got the upper hand? जिस हिसाब से विकेट था, बिल्कुल पेसर्स को हेल्प मिला और आगे भी मिलेगा। According to the wicket, I think the wicket suited more the pacers than the spinners, and I think the spinners were just trying to keep it tight, whereas the pacers were trying to get those wickets from the other end.